मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणपति मंगलम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः ओम केशवाय नमः माधवाय नमः नारायणाय नमः ओम केशवाय नमः माधवाय नमः नारायणाय नमः ओम केशवाय नमः माधवाय नमः नारायणाय नमः हस्तोपचालयम् हस्तोपचालयम् माधार सक्तान पृथिव्याय नमः हाले ललाटी हरि ओम मा ओम चंद्रमा मनसो सूरो अजायता श्रोत्रा प्रमुखार गिरजायतम नमा भूदीपराजाय नमा दीपक पाछो भैया तुम जब बाबू जी छोड़ दीजिए आप बैठे उनको ले ले दो छोड़ अब जो है मंगलम पाठ के भगवान सब कुछ हमारा मंगल हो इसलिए मंगलाचरण करते हैं भगवान गणेश जी को लोगों को सबको जो है आवाहन किया हुआ है तो ध्यान ध्यान करना पड़ता है। हरि ओम मा ओम स्वतिनः इन्द्रो व्यवस्वः स्वतिनः पूर्वा स्वतिनः अधिष्ठनेमिः स्वतिनो बृहस्पतिर्दधातु अग्रदेवता वातुरदेवता शूरदेवता चंद्रमा देवता विष्णुदेवता मरुतदेवता ओम देव हो शांतरिक्ष भूम शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोखदय शांति वनस्पत गुरुवार नमः शुक्रवार नमः ओम संचरा नमः राहुवार नमः केतुवार नमः सर्वे नवग्रहदेताभ्यो नमः भ्यो वो हमको चाहिए तो वो वही थे जो सुना चश्मा लगा रखे थे हरि ओम आप चंद्र ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु हरि ओम माओ विष्णु ओम विष्णु ओम कंकन चंद्र जो मुझे भरखंड मासे आमु के मासे है कार्तिक मासे शुक्ल पक्षे आमु का तीर्थ याम अष्टम्याम तीर्थ अमु वासरम बीताम अमु का वासरम बीताम गुरुवार चमिता अमुभूत उत्पन्न से अपना गुरु अपना नाम लीजिए अमुक नाम अनुसार धर्म पत्नी हम नाम पत्नी का नाम पत्नी नाम बहुत पुत्र नाम हम पुत्र वधु नाम लो हम सबका नाम सब परिवार कृष्ण नाम सब परिवार का जो नाम है सब करो भगवान की प्रार्थना करो कि भगवान हमारे यज्ञ ये करो और किसी प्रकार कोई यज्ञ में ग्रहण न पाए अमुक मनोकामना से धर्म जो भी आपके मन में कामना हो उस मन को मन ही मन में भगवान से प्रार्थना करो हमारा कार्य पूर्ण हो मनोकामना के जो है सिद्धांत श्री मध्यभागवत पुराण क्रांति गौरी गणेश नवग्रहात्मक देवानाम पूर्णम अहम दृश्य के सभी संकल्प वस्तु दीर्घावस्तु गणा नाम का गणपति गुंग हे प्रिया नाम का गणपति गुंग हे नाम का गणपति गुंग हे वसुम प्रयामी पूज्य मयामी सर्वताभ्यो नमः अच्छा पुष्पम समर पयामी सर्वदेवताभ्यो नमः सब देवताओं को जो है स्नान कराना है तो यहीं से ही ओम शुद्ध ओम शुद्धोदगम गंगाजल विश्राम समर्पय पाद्यम पदम मुख आचमीय जलम समर्पयामि सर्वदेवताभ्यो नमः स्नानम समर्पयामि नमः लज्जा निवारणार्थे उपवासम समर्पयामि नमः खड़े हो जाओ
गणेश जी की शुरू करना सब देवता को कहना है गणेश जी शुरू करो वहाँ पर गणेश जी ना बने हाथ पापा से टच करा करके फिर आप एक कहना है गणेश जी में गौरी जी में राधा कृष्ण भगवान में प्लस में गोपाल सी परवेश तो जयते गोपाल छूंगा मन सुखदेव जी को भी तिलक लगा दिए करो समर्पयामि नमो नमः सगदेताभ्यो नमः ऋतुफलं नगेभ्यं समर्पयामि नमः ऋतुफलं ताम्बूलं समर्पयामि नमः ऋतुफलं समर्पयामि नमः सगदेताभ्यो नमो नमः ऋतुफलं समर्पयामि नमो नमः मरुमिता दोनों कलश के पास में भी रख देना ये कलश जहाँ घंटी रखी है सुखदेव जी के पास रख दिया गुरु जी महाराज के पास और माता जी ये जो कहीं पर ध्यान लगा कर आराम से कोई चीज पूजक मतलब होता जाने का हमारा कोई चीज हम दूसरे ऐसी जगह सामान रखना चाहिए ठीक जगह पीछे पीछे रख दो कहीं भी रख दो रघुपति कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने कलेशनाशाय गोविंदा नमो नमः सच्चिदानंद रूपाय विश्वपत्यादे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय नमः किशोरम युगलम वृंदावनम प्रातमानम निकुंज सर्वेभ्यः परम गौरस्याम नपासातम कोटिगंध सुंदरम सर्वे साध चैतन्य नमामि जगद्गुरुम परापीरम नृपगोकर्णौ कर्णकारम बिभ्रत वासा कलकल संभय जन चिंच माला वृद्धान पूर्वो बिबंध बृंदारम रंप्रात सही कीर्ति का स्तुति तिलकम ललाट पटले वस्त्र तले गोधुम नासा ग्रीवियन उकड़े कंकरम सर्वांगे हरिचंद कलमल कंठे चरुतावली गोपाल परिचित सुतो विजिते गोपाल चूड़ामणि हे राधे विषभान भूपतन हे पूर्ण चंदन रे हे कांत कमली को वृंदावनाधीश्वरी हे राधे विषभान भूपतन सर्वे स्वरी राधिके कृष्णा पंकज मत कृष्णा पी माधवे वृंदावन नागरी गुण करो दामोदराधीश्वरी हे सुतारे प्राणाधिगे पाई मा प्राणाधिगे पाई माम अच्युतम केशव श्री राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वसुदेव मजम श्रीधरम माधव गोपिका वल्लभ जानकी नायकम श्री राम चंद्रम जय राधिका नागम कृष्ण चंद्रम गौरी पद्माजी मेधा विजया जया देव से नोताभ्यो नम पितृताभ्यो नम हाँ अच्छा तो तुम समझ गए हमें सर्व देता जो नमः भगवान हमने पूजन कर दिया हुआ है आपको वहां से नहीं
ओम सकलाय नमः अभी ओम सकलाय नमः ओम सकलाय नमः सकलाय नमः ये तो बोला पंडित कितना प्रकार सबको ये तो बोला बैठा है पहले उनको लगा के बाद हमको लगा हां ये लगा के दिया है सोली वाला रोड का ये तो बीच यहाँ देखो ठीक है दामोदर राम नारायण जानकी बल्लभ अच्युतम के दामोदर राम
शौक नहीं, हमें उनसे नजर मिलाने का शौक है और उन्हें भी नजरों से मिलाने का शौक है। इस तरह से Thank you.
को मैंने भूला नहीं आधे भूला नहीं रहे जाते हुए आधे आधे पूरे पूरे सब पूरे बोलो बांके बिहारी लाल की जय सूर्य को निर्विघ्न कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा विनायकं प्रवेश करने से पूर्व आइए हम सब
भगवान के नाम संकीर्तन को करके अपने मन को एकाग्र करें, ताकि संसार की माया में बिखरा हुआ हमारा मन भगवान की कथा के सार को समझ सके, मन एकाग्र हो सके। आइए सभी ने मिलकर के प्रभु का गुणगान करना है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। जगदाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। जगदाला हरि का प्यारा नाम है।
Thank you.
गज और ग्राही की कथा सुनाते हैं। राजा परीक्षित ने अपने मन की इतनी शंकाएं थी उनका समाधान किया। वो प्रश्न सुखदेव जी महाराज के समक्ष रखे जो उसके मन में उठ रहे थे, और एक एक करके सभी प्रश्नों का समाधान किया सुखदेव जी महाराज ने। तृतीय दिवस की कथा में भक्तों की कथा सुनाई, ध्रुव की कथा, प्रहलाद की कथा, अजामिल की कथा। ये कथाएं हमारे जीवन को प्रेरणा देती हैं। मन में जब विश्वास होता है भगवान के प्रति प्रेम बढ़ता है और उस मार्ग पर चलने की शक्ति मिलती है, क्योंकि भक्ति के मार्ग पर चलना तलवार की धार पर चलने के समान है। श्रीमद् भागवत महापुराण के अष्टम स्कंद में सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को गज और ग्राह के प्रसंग को सुनाते हैं। परीक्षित ने पूछा कि भगवान बाद नारायण एतत्ते भगवान हरि ने ग्राहग्रस्त गजेंद्र को किस प्रकार से छुड़ाया, ये प्रसंग मुझे सुनाइए। सुखदेव जी महाराज ने कहा कि राजन, लोग भगवान को दुख में याद करते हैं और सुख में भूल जाते हैं। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। कौन सा दुख? संसारी दुख की बात नहीं कही संत महापुरुषों ने। सबसे बड़ा दुख है गर्भ का, गर्भ की अग्नि का दुख और चिता की अग्नि का दुख। संत कबीरदास जी यही समझाते हैं कि ये दो दुख सबसे कठिन दुख हैं, और जब एक भक्त संत सतगुरु की शरणागत होकर ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करता है और भगवान का सुमरण भजन करता है तो इन दोनों दुखों से मुक्त हो जाता है, आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाता है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, आसीत गिरिवरो राजम, आसीत गिरिवरो राजम स्त्रिकूट इति विश्रुतः शिरो देनावृतः श्रीमान योजना युत मुच्छितः। हे राजन, क्षीर सागर के पास में एक द्वीप था और वहां पर त्रिकूट नाम का पर्वत था, बहुत बड़ा पर्वत था जिसमें अनेकों वृक्ष थे, अनेकों लताएं थी, और वो पर्वत झरनों से सुशोभित था और उस पर्वत के किनारे पर एक बहुत बड़ा वन था। उस वन में नाना प्रकार के पशु रहा करते थे, अनेकों पक्षी रहा करते थे,
उसी वन में एक विशाल काय हाथी रहता था जिसका नाम था गजेंद्र। ये सभी हाथियों का राजा था। उसकी अनेकों हथनियां थी, अनेकों पत्नियां थी, 50 पत्नियां थी लगभग, अनेकों पुत्र थे लगभग 150 पुत्र अर्थात उस हाथी के बच्चे थे, गजेंद्र के बच्चे थे। इसलिए उसे बड़ा अभिमान था। जब वह जंगल में भ्रमण करने के लिए निकलता तो सभी छोटे जीव उसकी जयकार करते। एक बार वह गजेंद्र अपनी पत्नियों और अपने पुत्रों के साथ एक बहुत विशाल सरोवर में तालाब में सबके साथ जल पीने के लिए गया और जल में घुसकर के सरोवर में घुसकर के जल क्रीड़ा करने लगा। अपनी सूंड से जल उछाल उछाल करके खेलने लगा। उसी समय उस विशाल सरोवर में रहने वाले एक मगरमच्छ ने ग्राह ने गज का पैर पकड़ दिया। पानी के जीव की ताकत अधिक होती है। ग्रह की ताकत अधिक थी, हालांकि हाथी गजेंद्र बहुत बलशाली था, लेकिन पानी में उसकी शक्ति काम नहीं कर रही थी। उसने पैर छुड़ाने का प्रयास किया लेकिन नहीं छुड़ा सका। ग्रह गजेंद्र को पानी के अंदर खींचता चला जा रहा था। जब गजेंद्र ने देखा कि मैं अब अपने आप को बचा नहीं सकता तो अपनी सहायता के लिए उसने अपनी पत्नियों को पुकारा। उसकी 50 पत्नियां उसकी सहायता करने लगी, उसे बचाने का प्रयास करने लगी, सूंड में सूंड मिला करके बाहर खींचने का प्रयास करने लगी। जब वो भी नहीं बचा सकी तो गजेंद्र ने अपने पुत्रों को पुकारा। गजेंद्र के पुत्रों ने, उन हाथियों ने भी अपने पिता को बचाने का बहुत प्रयास किया, सूंड में सूंड मिला करके खींचने का प्रयास किया, लेकिन गजेंद्र के पुत्र भी असफल रहे। हाथी को उस गजेंद्र को बाहर नहीं निकाल सके तो पुत्रों ने ये कहकर के गजेंद्र का साथ छोड़ दिया कि ये तो पानी में घुसते ही चले जा रहे हैं, बाहर ही नहीं निकल रहे, चलो यहां से। और गजेंद्र की पत्नियां और पुत्र उसे छोड़ करके चले गए। ऐसे संकट में, मरणासन्न अवस्था में ग्राह पानी के अंदर खींचता चला जा रहा है, हाथी की केवल सूंड बाकी रह गई। जब उसे लगने लगा कि अब मुझे कोई नहीं बचा सकता तो उसने भगवान को पुकारा। उसे भगवान की याद आई, दुख में प्रभु की याद आ गई कि स्वार्थ की ये दुनिया सारी कोई न साचा मीत, जग की प्रीत तो झूठी सारी, प्रभु की साची प्रीत। उसने सूंड उठाकर के हरि को पुकारा और वहीं तालाब में पास में एक कमल का फूल था, उसको तोड़ करके भगवान को अर्पण किया। और जैसे ही हरि को पुकारा, 28 श्लोकों से गजेंद्र ने भगवान की स्तुति की, जिसे गजेंद्र मोक्ष कहा जाता है। हरि को पुकारा और प्रार्थना की, हे प्रभु मुझ शरणागत की रक्षा करें। एवं व्यवसितो बुद्धया समाधाय मनोहृदि जजाप मन परमं जाप्यं प्राग जन्मन्यनु शिक्षितं। मीना मुझ पर कृपा करें, शरणागत की रक्षा करें। हे प्रभु मैं आपकी शरण में हूँ,
मेरी रक्षा करें, शीघ्र पधारें। गजेंद्र की स्तुति सुनकर के भगवान गरुड़ पर सवार होकर के जल्दी से आए। भगवान को आते देख करके गजेंद्र ने कमल का फूल तोड़ करके भगवान के चरणों में अर्पित किया। कमल का फूल और तुलसी ये भगवान को बहुत प्रिय है, क्योंकि कमल के फूल की उत्पत्ति भगवान की नाभि से हुई है। इसलिए भगवान ने गजेंद्र की रक्षा की। गजेंद्र की हाथी की सूंड को पकड़ा और पानी से बाहर खींचा, और जैसे ही गजेंद्र को बाहर खींचा तो ग्राह भी बाहर खींचा चला आया, वो मगरमच्छ भी बाहर खींचा चलाया जिसने गजेंद्र का पैर पकड़ा हुआ था। तो भगवान के सुदर्शन चक्र ने उस ग्राह का भी उद्धार कर दिया, उस मगरमच्छ के सिर को उसके धड़ से अलग कर दिया और गजेंद्र की रक्षा की। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। देखो काल के मुख से कौन छूटता है। गजेंद्र एक भक्त है और ग्राह काल है, साक्षात काल। काल के मुख से वही छूटेगा जिसको भगवान का दर्शन होगा। सुदर्शन मतलब सु माने सुंदर, दर्शन अर्थात जिसके पास वो भगवान का ज्ञान होगा, ब्रह्म ज्ञान होगा, आत्मज्ञान होगा, वही काल के मुख से छूट पाएगा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि ये हाथी, ये गजेंद्र पूर्व जन्म में इंद्रद्युम्न नाम का राजा था। एक बार पूजन में बैठा हुआ था, उसी समय अगस्त मुनि वहां आए और अगस्त मुनि को देखकर उसने प्रणाम नहीं किया। अगस्त मुनि को प्रणाम नहीं किया इसलिए अगस्त मुनि ने शाप दे दिया कि गज के समान, हाथी के समान बैठा है, जड़ योनि में चला जा। इसलिए वो इंद्रद्युम्न राजा गजेंद्र बन गया था। और जो ग्राह था वो पहले हू नाम का गंधर्व था। सरोवर में स्नान करते हुए देवल ऋषि का पैर जब उसने पकड़ करके खींचा तो उस गंधर्व को देवल ऋषि ने श्राप दिया था कि तू ग्राह की तरह पैर को खींच रहा है, जा ग्राह हो जा, मगरमच्छ हो जा। इसलिए उस ग्राह बने गंधर्व को भी मुक्ति मिल गई, गंधर्व लोक में चला गया। इसलिए कहते हैं कि जो भगवान का आश्रय लेता है वो मुक्त अवश्य होता है। तेरी बन गई है गोविंद गुण गाए सी। कौन कौन अपनी बनवाना चाहते हैं, कौन अपनी बिगड़ी को बनवाना चाहते हैं, सभी। तो जरा एक बार मस्ती में ताली बजाते हुए झूमते हुए सभी ने कहना है, अरे तेरी बन गई है तेरी बन गई है। Thank you.
रोहन की बन गई, तीर के बनाए थे।